हवाले से, क्योंकि इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से तैयारियां तो की जा रही है, हालांकि हतमी तैयारियां हो चुकी हैं और इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी इंतजाम है उसे भी हतमी शक्ल दी जा रही है। जम्मू कश्मीर न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जहाँ जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब मरकजी तकरीब मुनक्द होगी, जहाँ पर खुद मनोज सिन्हा उस तकरीब का हिस्सा बनेंगे, परचम कुशाई करेंगे, उसके साथ साथ ही परेड पर सलामी लेंगे। उसके साथ ही वादी के अंदर श्रीनगर के अंदर उनके मशीर उनकी जानब से परचम कुशाई की जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में उधमपुर, सुरनकोट, राजौरी, पूंछ और वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं मुख्तलिफ मकाम पर। ना के ये कल की तस्वीरें हैं जो उधमपुर नेशनल हाईवे है, वहाँ पर पुलिस की जानब से नाके लगाए गए हैं। नाके के दौरान ये सुरनकोट की तस्वीरें हैं, नाके के दौरान गाड़ियों की जहाँ से बारीक भी नहीं चेकिंग की जा रही, उसके साथ साथ ही जो मुसाफिर हैं जो उन गाड़ियों में सवार लोग थे उनसे पूछताछ की जा रही, उनके शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। जम्मू सूबे के अंदर जम्मू सूबे के मुख्तलिफ खास तौर पर राजौरी पूंछ हम देख रहे हैं कि वहां पर भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। उसके साथ साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अलावामी सरहद पर भी जो सिक्योरिटी है उनके कड़े इंतजाम किए गए हैं। फोर्सेस की मजीद टुकड़ियों को तैनात किया गया है और जो हसास मकामात हैं वहां पर जो इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी किए गए। बिल्कुल गौर, ये तलाशी मुहिम जो है ये जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर जगह पे की जा रही है और जिस तरह कल से लेकर आज तक हम देखें 26 जनवरी भी आ रही है और 26 जनवरी के साथ साथ और भी कई प्रोग्राम जो अयोध्या का प्रोग्राम है, तो लाइन ऑर्डर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी एक तरह से एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं वो अनवांटेड जो वाका जो है वो कर सकते हैं इस दौरान, तो ये सारी चीज़ें इस पर नज़र रखें। लेकिन आपको बताएं अभी आज का सलाम जेके यहीं पर।